आज हम बनाएंगे कुकरी जौ की खमन ढोकला। इसके लिए हमें चाहिए साबू का कुकरी जौ की खमन ढोकला रेडी मिक्स। 3/4 कप खमन ढोकला मिक्स लें और आधा कप पानी। एक कटोरे में खमन ढोकला रेडी मिक्स और पानी डालकर चिकना घोल तैयार करें। इसे लगातार चलाएं जिससे कि इसमें गुठलियां ना पड़ें। ये खमन ढोकला मिक्स फॉक्सटेल मिलेट से बना है जो कि इसे स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी बना देता है। एक ढोकला ट्रे को चिकना करके उसमें बैटर डालें। एक बर्तन में खूब तेज गर्म पानी उबालें और इसमें ढोकला प्लेट रख दें। ध्यान रहे कि ढोकला प्लेट तभी रखनी है जब पानी खौलने लगे। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पका लें। 15 मिनट बाद ढक्कन खोलें और ढोकले को बाहर निकालकर 5-10 मिनट के लिए ठंडा करें। ढोकला ठंडा होने के बाद इसे एक प्लेट में निकालें। इसे अलग रखें और तड़के के लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। इसमें 1 छोटा चम्मच राई के दाने डालें। जब राई के दाने चटकने लगे तो इसमें 1 बड़ा चम्मच कड़ी पत्ते डालें और 4 हरी मिर्च डालें। अब चाहें तो हरी मिर्च को बारीक भी काट सकते हैं, पर ऐसे लंबी कटी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसमें आधा कप पानी डालकर 1 मिनट पकाएं। 1 चम्मच की सहायता से तड़के को ढोकले पर फैला दें। तड़के को ढोकले पर कोने कोने तक फैला दें जिससे इसका स्वाद और भी निखर कर आएगा। एक बड़ा चम्मच ग्रेटेड कोकोनट और 1 बड़ा चम्मच हरी धनिया पत्ती से सजाएं। तैयार किए ढोकले को छोटे टुकड़ों में काट लें। साबू के कुकरी जौ की रेडी मिक्स से खमन ढोकला घर पर झटपट बनकर तैयार हो गया। इस ढोकला मिक्स में कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है जो इसे आपकी सेहत के लिए भी अच्छा बनाता है। फॉक्सटेल मिलेट के न्यूट्रिशन से लोडेड इतना अच्छा इंस्टेंट खमन ढोकला मिक्स अब मार्केट में अवेलेबल है कि आपको बाजार से ढोकला लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसे अपने घर पर शुद्धता के साथ खुद बना सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड फ्लफी बना है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। साबू के कुकरी जौ की खमन ढोकला को मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। मॉनसून के सीजन में अगर आपके मिक्सचर में नमी आ गई है तो आप इसे 1 मिनट माइक्रोवेव कर लें या फिर एक कढ़ाई में डालकर 1 मिनट के लिए मध्यम आंच पर चला लें तो मिक्सचर एकदम नए जैसा हो जाएगा। वैसे तो इस स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें कि एक बार पैकेट खोलने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें।